हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल समरेश विश्वकर्मा। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने जा रहे हैं। ये काफ़ी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें बताई जाएगी। और इन समझिए कि दिस इज़ द एबीसी ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और फिर हम लोग जो है आगे सीख पाएंगे क्लास टेंथ के, है ना, क्लास टेंथ में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग फिर आगे डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए, ये बेसिक क्लास है, इसका स्टडी किया जाए। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है, समझिए। अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी ज्योमेट्री, है ना, यूजिंग अलजेब्रा एंड अंडरस्टैंड अलजेब्रा विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। यानी कि ये एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं अलजेब्रा की मदद से, या अलजेब्रा को समझते हैं, है ना, ज्योमेट्री की मदद से, दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैंने बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बताया। मैंने एक दूसरी डेफिनेशन भी इसकी हो सकती है कि एक ऐसी ब्रांच की मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्लेन में कोई पॉइंट्स होता है, उस पॉइंट्स की पोजीशन का स्टडी करते हैं। तो ये भी एक डेफिनेशन हो जाएगी जो, है ना, थोड़ी सी, है ना, हाई लेवल की हो जाएगी। बट बेसिकली हमको ये याद रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच का पार्ट है जिसमें हम लोग ज्योमेट्री का स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा की मदद से, और अलजेब्रा समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की मदद से, ठीक है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन आप ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग किसी प्लेन के अंदर पॉइंट के पोजीशन का स्टडी करते हैं, और किसी प्लेन के अंदर जो पॉइंट होते हैं उसकी पोजीशन को दो नंबर से डिनोट करते हैं, है ना। एक कहलाता है आपका ऑर्डिनेट, दूसरा कहलाता है एब्सिसा, जो हम लोग आगे सीखेंगे क्या होता है ऑर्डिनेट, क्या होता है एब्सिसा, ठीक है। वो इसकी डेफिनेशन हो गई। चलिए, तो ये जो स्पेशल जो एक मैथमेटिक्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको इन्वेंट किसने किया, किसने इसको लाया, तो वो थे रेने दकार्ते, है ना। रेने दकार्ते थे, यानी कि इन्होंने, ही वॉज द पर्सन हु ब्रॉट दिस टॉपिक इन टू लाइट, है ना, ऑफ द वर्ल्ड। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फादर जो है रेने दकार्ते को कहा जाता है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, आइए समझते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं वर्टिकल लाइन, एकदम सीधी लाइन, ठीक है, एक वर्टिकल लाइन लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ठीक है। ये दोनों लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम इस तरह से देते हैं एक्स डैश एक्स, इसको नाम, जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम इस तरह से देते हैं वाई, और वाई डैश, और ये व्हाट इज दिस, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन्स आर, है ना, आर इंटरसेक्टिंग। तो ये जो पॉइंट होता है इसको ओ कहते हैं। तो यहाँ जो एक्स एक्स ओ एक्स डैश एक हमें लाइन मिल जाती है, और दूसरी लाइन वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश, इसी को कहा जाता है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। एक्सिस एक्चुअली एक प्लूरल वर्ड हुआ, ये प्लूरल वर्ड हुआ, इसका जो सिंगुलर होता है वो एक्सिस कहलाता है। तो एक्सिस, है ना, इसको ये आपका कहलाएगा आपका एक्स ओ एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई एक्सिस, इन दोनों को साथ में कहा जाएगा एक्सिस, क्योंकि प्लूरल हो गया, इसी इन दोनों को ही कहा जाता है कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें ये जो होता है, ये वाला फर्स्ट जो है आपका, है ना, ये एक्स ओ एक्स डैश, इसको सिंपल में एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, और इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो हो गया हमारा, ये हो गया वाई एक्सिस। इन दोनों एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ काट रहे हैं, ये कहलाता है ओरिजिन, ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, ये कहलाएगा ओरिजिन कहलाएगा, समझें, ओरिजिन कहलाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे, और ये सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लीजिए, ये वाई ओ वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश, इन दोनों को साथ में कहा जाएगा कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है ना। एक्सिस जो हो गया, एक्सिस का प्लूरल वर्ड हो गया। अब इस इंडिविजुअल, ये जो है इसको कहा जाता है, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, ठीक है, इसको कहेंगे वाई एक्सिस, दोनों जहाँ एक दूसरे को काटा उसको कहेंगे ओरिजिन। सो अभी स्टूडेंट हम लोग जानेंगे एब्सिसा और कोऑर्डिनेट के बारे में, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट के बारे में। तो फिर से हम यहाँ पर कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये हो गया एक्स डैश ओरिजिन, एक्स वाई वाई डैश, ये आपका, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है।
और ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इतनी सारी चीज़ें तो हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। और मैं इसमें एक पॉइंट यहाँ कंसीडर कर रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट का नाम मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पर इस लाइन से मैं परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्स एक्सिस पर ये आकर काटा, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसका नाम मैं एम कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से मैं वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। तो वाई एक्सिस को यहाँ एन पर वो काटता है, तो एन पर मैंने कर दिया। तो इस तरह से आप देखो कि जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, ठीक है ना। यानी कि ओ से एन जितनी होगी उतना ही पी से एम होगी। तो ओ एन इक्वल टू पी एम, ये पहली बात। दूसरी बात कि जितनी ये होगी उतनी ये होगी, मीन्स ये आपस में सेम होगी साइड। ओ एम इक्वल टू पी एन, पी एन। अब आप देखिए, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये क्या है, ये जो है, ये जो है ना, ये बता रहा है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है, ये लेंथ ये बता रहा है। एन पी क्या बता रहा है, यहाँ ध्यान देंगे, एन पी जो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एन पी जो है, ये जो है ना, ये बता रहा है कि एक्स एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है, ठीक है, सॉरी वाई एक्सिस से पॉइंट कितना दूर है। ये वाई एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, और ये लाइन जो बता रहा है कि ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। तो जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताएगा, उसको कहा जाता है एब्सिसा। क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, उसको कहते हैं एब्सिसा, राइट। यानी कि आप यहाँ ध्यान दीजिए कि एब्सिसा, ये एब्सिसा है, ये एब्सिसा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में एब्स। तो जब ये एब्सिसा है तो ये भी हमारा एब्सिसा ही होगा, क्योंकि आमने सामने सेम हो जाएंगे। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस को एब्सिसा कहते हैं। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा, ये मान लिया जाए ए है यहाँ से यहाँ, तो ये भी हो जाएगा ए ही यहाँ से यहाँ, ठीक है। एब्सिसा मैंने मान लिया, एन पी मैंने ए मान लिया, लेट एन पी को मैंने लेट, एन पी इक्वल टू ए, यूनिट यूनिट, यानी कि यहाँ मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूनिट वर्ड का इस्तेमाल करूँगा। अब आप ये बताइए कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ये जो है एक पॉइंट पी है, और पी का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, वो पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर, वो ये बता रहा है। यानी कि ये जो है आपका पी एम, पी एम ये जो हमारा हुआ, डैट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट की दूरी फ्रॉम 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 एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है। तो इसी को कहते हैं ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये हमारा ऑर्डिनेट हो गया, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ऑर्डिनेट। तो जब ये ऑर्डिनेट हो गया, तो मेरा ये भी ऑर्डिनेट हो जाएगा, ये भी ऑर्डिनेट हो गया, और इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया। तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी बी होगा, ये बी तो ये बी, ये ए तो ये ए, ठीक है। तो ये यहाँ हम लोगों ने जाना एब्सिसा क्या होता है, फिर हम लोगों ने जाना ऑर्डिनेट क्या होता है, वो सारी बेसिक बातें हम लोगों ने सीखा। अभी हम इसमें आगे देखेंगे कि इसमें आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि कोऑर्डिनेट क्या होता, कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, ठीक है ना, है ना, एब्सिसा और यहाँ ध्यान देंगे, एप्सिसा को पहले लिखिए और ऑर्डिनेट को बाद में लिखिए, और ऐसा कोई ऑर्डर पेयर इसको बोला जाता है, इसको कहा जाता है ऑर्डर पेयर्ड, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स हम एप्सिसा को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले एप्सिसा को लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डिनेट को लिखेंगे, और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। तो अब ऐसे लिखना कहलाता है ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। जैसे हमारे पास एक पॉइंट था पी, तो पी अगर हम आपसे यहाँ डायग्राम से क्वेश्चन करें कि कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी का कोऑर्डिनेट बताइए, तो पी का कोऑर्डिनेट बताइए, इसका मतलब आपको बताना है एब्सिसा ऑफ पी कॉमा ऑर्डिनेट ऑफ पी।
तो पी का एब्सिसा कौन हुआ? एब्सिसा तो ये होता है जिसको हमने ए माना है, तो यहाँ ए आ जाएगा। और ऑर्डिनेट वो होता है, ये हुआ ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जिसको हमने बी माना है, तो बी। तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो इस तरह से दिखाया जाता है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले उस पॉइंट का एब्सिसा लिखते हैं, देन उस पॉइंट का क्या लिखते हैं, ऑर्डिनेट लिखते हैं, और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, तो एक ऑर्डर पेयर बन जाता है। यही ऑर्डर पेयर कहलाता है कोऑर्डिनेट ऑफ डैट पॉइंट, यानी कि इस डायग्राम के अनुसार वो पॉइंट पी है, तो ये पी का कोऑर्डिनेट मैं पूछूंगा तो आप बोलेंगे ए बी। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है, ओरिजिन, और यहाँ एक पॉइंट क्यू है, और एम एन ये दे दिया 3 और ये दे दिया 4 4। हम यहाँ से एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एब्सिसा ऑफ क्यू बताइए क्या होगा, फिर ऑर्डिनेट ऑफ क्यू, और थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए, तो इस डायग्राम को देखने से मालूम चल रहा है कि सबसे पहले हमें एब्सिसा बताना है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, 3 यूनिट, ये 4 यूनिट, एब्सिसा बताना है। व्हाट इज एब्सिसा? एब्सिसा क्या है? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, कोई पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये हुआ, अब ये वाई एक्स ये पॉइंट हुआ, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो ये हुआ, ये वाला हुआ, ये मतलब कि ये, ठीक है, ये मतलब कि ये, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन हुआ यहाँ पर? वो उसका नाम हम लोग देंगे क्यू एन, क्यू एन, और क्यू एन उतना ही होगा जितना कि ओ एम होगा, और ओ एम हमको पता है, तो ओ एम है 3 यूनिट, तो उतना ही क्यू एन भी होगा, तो एब्सिसा हमारा निकल कर आ गया 3 यूनिट। अब इसके बाद दूसरा है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? कोऑर्डिनेट जो होता है, इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन को अगर हम याद करें, रिकॉल करें, तो देखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, ये हमारा एब्सिसा निकल गया 3 यूनिट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो वो एक्स एक्सिस तो ये है और पॉइंट ये है, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये होगी, ये वाली, तो ये किसके इक्वल होगी? क्यू एम, क्यू एम इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन, एंड ओ एन इज गिवेन दैट इज 4, तो 4 यूनिट, 4 यूनिट, तो क्यू एम इज ऑल्सो 4 यूनिट, और यही क्यू एम को बोलते हैं ऑर्डिनेट। सो हमारा ऑर्डिनेट यहाँ आ गया 4 यूनिट। नाउ गाइज, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, है ना? सो इनिशियली आई टोल्ड यू दैट वेन वी आर आस्क टू राइट कोऑर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट, तो फर्स्ट वी राइट एब्सिसा, देन ऑर्डिनेट सेपरेटेड बाई कॉमा विद इन द स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले लिखते हैं एब्सिसा, है ना, और उसके बाद लिखते हैं ऑर्डिनेट और कॉमा से इसको सेपरेट कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन वन मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट क्या होता है उसको समझते हैं। एक्चुअली क्वाड्रेंट क्या होता है कि आप यहाँ देखेंगे कि एक ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई जीरो ओ, वाई डैश एक्स ओ एक्स डैश, तो ये पूरा कोऑर्डिनेट एक्सेस है, और कोऑर्डिनेट एक्सेस में देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट एक्सेस जो है चार पार्ट में डिवाइड हो गया, चार पार्ट में जो है ना डिवाइड हो गया, एक ये पार्ट 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 हो गया, इसी पार्ट को क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी कि आप यहाँ देख रहे हो चार क्वाड्रेंट है, ये पहला क्वाड्रेंट हुआ, ये दूसरा क्वाड्रेंट हुआ, ये थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है क्वाड्रेंट को, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। तो ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम होता है ये बताइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या नाम होगा? हर एक क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस से शुरू होगा, वाई एक्सिस पे एंड होगा, तो एक्स ओ वाई पहले क्वाड्रेंट का नाम होगा, एक्स ओ वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट का क्या नाम होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट तो ये है ना, तो हर एक एक्स से शुरू होगा, वाई पे एंड होगा, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ सॉरी एक्स डैश ओ वाई नॉट वाई डैश। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या नाम होगा?
दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, वी स्टार्ट विद एक्स एक्सिस एंड एंड विद वाई एक्सिस, एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश, ठीक है। और हियर इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, वी स्टार्ट विद एक्स एंड एंड विद वाई, एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हैं, होते हैं जब दो एक्सिस एक दूसरे को काटता है, इंटरसेक्ट करता है परपेंडिकुलरली, तो चार क्वाड्रेंट्स यहाँ बनते हैं। चारों क्वाड्रेंट का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, और सभी क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है, ठीक है ना, सभी क्वाड्रेंट का अपना एक साइन होता है। तो साइन को देख लेते हैं हम लोग यहाँ। अगला जो टॉपिक हम लोग यहाँ करते हैं वो होगा रूल फोर, या सीधे हम लोग इसी में ऐड कर लेते हैं कि साइन फोर या साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा ये। तो याद रखिए इस तरफ जो होता है राइट साइड तरफ, राइट तरफ पॉजिटिव लेना होता है, अपवर्ड पॉजिटिव लेना होता है, राइट टू द राइट, टू द राइट पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, ये ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव में होगा, ये वैल्यू बता शो करेगा, ये राइट में है, ये पॉजिटिव शो करेगा, और ये क्या है, दिस इज अपोजिट टू दिस, ये इसके अपोजिट है, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव शो करेगा, ये जो है ना इसका अपोजिट है तो ये पॉजिटिव है तो ये इसका नेगेटिव शो करेगा। तो पहला क्वाड्रेंट कौन हुआ, पहला क्वाड्रेंट हुआ एक्स ओ एक्स डैश, इसका साइन क्या होगा, एक्स ओ वाई है, नॉट एक्स डैश है, एक्स ओ वाई, तो इसका साइन बताइए क्या होगा, इसका साइन पहला क्वाड्रेंट का साइन क्या होगा, तो इसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा वाई भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव इस तरह से। चलिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखिए यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट का नाम क्या होगा, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, जिस पर डैश लग गया समझो वो नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव है, यहाँ भी देख लो ये एक्स डैश नेगेटिव हुआ और यहाँ वाई पॉजिटिव हुआ, तो एक्स नेगेटिव पॉजिटिव इसका साइन होगा, यानी कि इसमें एब्सिसा पहले क्वाड्रेंट में जो होगा उसका एब्सिसा भी पॉजिटिव होगा और आपका ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, है ना, और सेकेंड क्वाड्रेंट में वही होगा, है ना, जिसका एब्सिसा नेगेटिव होगा ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, इसका एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो इसका तो नाम पड़ेगा एक्स डैश ओ वाई डैश, दोनों पर डैश लगा हुआ, दोनों नेगेटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश, तो भाई ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, अरे वाई पर डैश है, आप देखिए वाई नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से सभी क्वाड्रेंट का साइन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, सभी क्वाड्रेंट का साइन लिखा हुआ है। जैसे मेरे पास एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 4-5, हमारे पास एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4-5, यानी कि ये उसका एब्सिसा हो गया, ये उसका ऑर्डिनेट हो गया। अब ये बताइए कि 4-5 को हम इसे कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहाँ दिखाएंगे, है ना, एक्स क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, सेकंड में दिखाएंगे, थर्ड में दिखाएंगे, फोर्थ में दिखाएंगे, तो देखो इसका साइन कुछ नहीं है तो पॉजिटिव है, और इसका साइन तो दिख ही रहा है माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो कौन से क्वाड्रेंट का होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, इसका मतलब फोर, ये पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 4 और -5 है, वो कौन से क्वाड्रेंट में दिखाया जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाया जाएगा स्टूडेंट। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, एक और यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं और उसके भी हम लोग देखते हैं। जैसे हमारे पास एक पॉइंट एम है और इसका कोऑर्डिनेट है -3 और 2, तो ये इसका साइन नेगेटिव है और इसका साइन नेगेटिव और इसका साइन पॉजिटिव, एब्सिसा का साइन नेगेटिव, ऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव, एब्सिसा नेगेटिव, ऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। एम जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 और 2 है, उसको हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे, ठीक है, उसको सेकेंड क्वाड्रेंट में दिखाएंगे। तो इस तरह से ये बेसिक चीज़ें बता दिया गया स्टूडेंट, इससे आगे हम अगले क्लास में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।